आ गया बहुत आ गया नमस्कार और नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और नवबुद्धा दिस इज सेतु एंड वेलकम टू न्यू रिएक्शन वीडियो। तो गाइज आई एम फ्रॉम बांग्लादेश तो टेकला फ्रॉम बांग्लादेश ऑल द टाइम। तो कैसे हो आप? मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं हो, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश सो दैट्स वाई लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो बस बट स्टिल आई एम ट्राइंग ओके। सो बट आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी थोड़ा थोड़ा बट आई कैन टॉक प्रॉपरली सो डोंट माइंड। एंड गाइज आई हैव अ रिक्वेस्ट टू डोंट स्किप सॉरी एंजॉय द फुल वीडियो। तो गाइज आरेक्टा रिक्वेस्ट आछे आमार जे इफ यू आर प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड अल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड ब्लॉग यूट्यूब चैनल लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो बेसिकली सेकेंड ब्लॉगे अपलोड कर डेली ब्लॉग विलेज आई लव नेचर ऑल द टाइम देखते दैट्स आज के चले नेचर मध्य रिएक्शन दीते। एंड गाइज जो कथाटा बोलते एकदम ही भूले गेछि सेटा होच्छे बेसिकली आज के भिडियोते रिएक्शन दिच्छि एटा होच्छे डीडी रिएक्ट चैनलेर नाम। सो ओरिजिनल भिडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन प्लिज गो एंड विजिट एंड सब्सक्राइब अफिस यूट्यूब चैनल। और होच्छे अलोक सर भिडियोते रिएक्शन दिच्छि। तो थंबनेल और होच्छे टाइटल जेटा देखलाम सेटा देखे बुझते पारतेछि जे होच्छे अलोक सर होच्छे आमादेर तोमार आमार सबार फेवरेट होच्छे पाठान भाई रिएक्शन जे रयेछेन तानार भिडियोते हयतो रिएक्शन दियेछेन ता देखले बोझा जाय। तो अनेक एक्साइटेड और कोनो वेट करबो ना। तो चलो शुरू करी, लेट्स स्टार्ट इट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो जो लुक सर आज वीडियो लेकर आया हूं मैं, वो वीडियो बड़ा ज़बरदस्त है। पाकिस्तान को T20 में अफगानिस्तान ने गजब धोया, सीरीज भी धो दिया भाई। अब इसके बाद जो है वो पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बिल्कुल बौखला गई है, बिल्कुल बौखला गई है। सिंपल, अफगानिस्तान जैसी टीम से T20 की सीरीज जो है वो काटोरा भाई नहीं। तो चलिए देखते हैं भाई कि क्या हुआ क्या है। हाँ चलो भाई, लेट्स सी। अफगानिस्तान को पेल देगी ये यंग टीम, ये PSL का जो टैलेंट है ये बड़ा तबाही मचा देगा, ये कर देगा। एल किया इन्होंने, एल अफगानिस्तान से T20 सीरीज हार गया। पहला T20 भी हार गया, दूसरा T20 भी हारे हैं। और अल्लाह पाक की कसम ये जिस तरह हारे हैं ना, लानत है इनकी शक्लों के ऊपर। यकीन करो यार, पता ना अजीब सी आवाज आ रही हो रही है यार, दिल नहीं कर रहा वीडियो बनाने का मेरा, मेरा दिमाग फट रहा है इस टाइम, मुझे समझ नहीं आ रही करूं क्या यार। कोई बगाड़ती की हद होती है यार, कब जीतना है आपने यार, कब जीतना है आपसे आपने। वो घंटा कंजर वो बकरी बाबर आजम बिठाया हुआ पीछे, वो हार रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया से हार रहा है, इंग्लैंड से हार रहा है यार। अब यार जिम्बाब्वे से जीत जाओ, उनसे भी हार जाएंगे। अफगानिस्तान की बात कर लो, उनसे भी हार जाएंगे यार। जीतना किससे है, कौन सी टीम बची हुई है जिससे जीत जाओगे, कब किससे जीतना है यही बता दो। नहीं, किससे जीतना है, कौन सी टीम ला दें आपको जिससे आप जीत जाओगे यार, कब क्या करें आपके साथ, पांव पड़ जाए आपके, पांव पड़ जाए तो जीत जाओगे, क्या करें। दिल से दुख हुआ है, आप तो यार दिमाग फट रहा है मेरा। मतलब यार वो घंटा था पहले कप्तान, ऑस्ट्रेलिया से घर में आ रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है, न्यूजीलैंड से आ रहा है। अब ये PSL का टैलेंट, ये नजर आ गया सबको, PSL का टैलेंट ये है। PSL ये जो 8 साल से PSL करवा रहे हैं ना, ये PSL हो रही है, ये टैलेंट निकल रहा है PSL से। पहन दी पता ही नहीं करना कि ये लॉजिक ही नहीं है इनके कंजरू के दिमाग के अंदर के, करना क्या है, बॉलिंग क्या करनी है, आउट क्या करना है, कप्तानी क्या है, रन क्या करने हैं। वो अफगानिस्तान वाले ले गए इनसे मैच, और इस तरह ले गए इनकी शक्लों के ऊपर, लानत भेज के गए हैं ये कमीने के बच्चे। जीतना इनको आता नहीं, और यार किस टीम से जीतना, कौन सी टीम ला के दूं जिसे जीत जाओगे। वो भी अफगानियों ने आपके मुंह के ऊपर आ गए ना, चपेड़ा मारी आपके मुंह के ऊपर, मूत के गए आपके मुंह के ऊपर, उन्होंने आपको आपकी औकात याद करवाया कि आप एक लानती मुल्क हो और आपको क्रिकेट खेलना बिल्कुल नहीं आती। क्या बात, नाराजगी जाहिर है होनी चाहिए, टीम हारती है तो दुख होता है, दर्द होता है दिल में, लेकिन यार ये इस तरह की लैंग्वेज यार अपनी ही टीम के लिए, ठीक है यार हारी गई है भाई, और जो दो टीमें खेलती हैं जिस दिन जिसका दिन हो अच्छा होता है वो जीत जाता है, हमारी टीम भी हारती है यार। राइट, ऐसा क्या मतलब है? यू राइट सर, रिस्पेक्ट करो। इस तरह की लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो यार, अजीब लोग हैं भाई। करवाने का बहुत शौक है आई थिंक हमारे क्रिकेट बोर्ड को और सिलेक्टर्स को। कितने धड़ल्ले से हमारे लोग बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, चले जाती है हमारी यंग टीम, चली जाएगी, हार जीत हो गई तो क्या हो गया। मतलब एक मजाक बनाया हुआ है इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को, प्लेयर्स को पैसे मिल रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, और प्रोफेशनलिज्म में होते हुए कह रहे हैं हमारा क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को कि मतलब अब आप ये देखो उनको मैसेज क्या पहुँचा रहे हो, आप दुनिया में मैसेज क्या पहुँचा रहे हो। हम यंग लड़के भेज रहे हैं, हार गए तो क्या हो गया, तालियां, कसम खुदा की तालियां, बहुत ज़्यादा तालियां होनी चाहिए। उसके बाद मतलब थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं है, अफगानिस्तान से हम सीरीज हार गए,
हमने ये सीरीज खुद दी है उनको, और हम ये सीरीज जब ये टीम अनाउंस हुई थी उस टाइम ही हम ये कह रहे थे कि ये अफगानिस्तान से मैचेस खेलना इतने आसान नहीं है। आजम खान ओ जी क्या प्लेयर है जी, क्या स्पिनर का प्लेयर है, क्या छक्के मारता है भाई। बात सुनो, किसी काम का विकेट कीपर नहीं है, किसी काम का वो बैट्समैन नहीं है, सही है ना। वो जिस तरीके से टीम के अंदर आया वो सबको पता है कि वो कैसे आया है, क्या परफॉर्मेंस है। इतनी क्रिकेट अगर मैं भी खेलूँ ना भाई 15 मैचेस के अंदर, एक मैच में मैं भी रन कर लूंगा। अब आप मुझे किसी बताओ अफगानिस्तान क्या हाल करेगा हमारा। वो उनकी तो ख्वाब पूरा हो गया पाकिस्तान को सीरीज हरा के, उनकी नज़र में अगर वो एक मैच भी पाकिस्तान को हराते हैं ना तो ये बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए। वो सीरीज मार के चले गए और हमने ये सीरीज उनको खुद प्लेट में रख के दी है। भाई आप लोगों को नींद आ सकती है, आप लोग रिलैक्स होकर सो सकते हैं, मुझे तो नींद नहीं आएगी। मुझे तो बड़ा अफसोस होगा कि अफगानिस्तान से हम सीरीज हार गए, और वो देखो कितना ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता। मैंने आपको याद है, मैंने आपको पहले बोला था कि ये सीरीज हो सकता है 3-0 से ना हार जाए, और राशिद खान पूरी कोशिश करेगा कि हम ये सीरीज जीते, क्योंकि उनको भी पता कि ये टीम इतनी बड़ी नहीं है, ना इनके पास बैटिंग लाइनअप इतनी अच्छी, ना इनके पास बॉलिंग लाइनअप है। हमारे सीरीज और अपनी वाह करवाए। अब आए ना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आके टीवी भी बोले, अब जवाब दे सबके जो कह रहे थे, वह कोई मसला नहीं, हार जाए कोई नहीं छोड़ता भाई, कोई नहीं छोड़ेगा, सब तिया पाचा करेंगे कल। ये आपकी टीम है, ये आपका टैलेंट है, अब देख लेना तीसरा मैच करो क्या हाल होगा। तीसरा भी मार के जाएंगे, वो तीसरा भी हरा के जाएंगे आपको, फिर टॉस जीतना और फिर बैटिंग कर लेना पहले। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इंटरनेशनल टीम नहीं, क्लब लेवल की टीम जो है वो खेल रही है, ना कोई क्लोज फील्डर लिए जा रहे हैं, ओपन सिंगल करवाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं नजर आ रहा, कसम से बीच मैच में तो ऐसा लग रहा है आजम आराम से बबल चुबा रहा था, या हमारे दोस्त बैठे उसको बबल को गालियां देने लग पड़े। ये क्या कर रहा है लिटरली, मतलब क्या दिमाग खराब हुआ यार। जिस तरह की कीपिंग कर रहा था आजम खान, मेरा तो दिल कर रहा था कि शराब बीच में उसको बोलते कि भाई हारिस तू कीपिंग कर ले, भाई तू साइड पे होना थोड़ी देर के लिए। दूसरा मुझे शराब की फील्ड प्लेसमेंट बिल्कुल समझ नहीं आई, और उसके बाद नसीम शाह का ओवर बनता ही नहीं था, जमान तो एहसान उल्लाह का बनता था। आपने पहले यहां से चीख रहे हैं कि जमान को तो 1900 ओवर क्या, ग्राउंड के बाहर वो मिठाई की दुकान है, बिल्कुल साथ ही है, जहां से हमने मिठाई भी खाई थी उसी दुकान के अंदर पहला छक्का तो वहां लगाया, और उसके बाद जब दोबारा वो आए हैं नसीम शाह बॉलिंग करने के लिए, फिर उनको मार पड़ी है। बिल्कुल पथेटिक, पाकिस्तान ने जीता हुआ मैच गोद में रख के दिया, अफगानिस्तान की गोद में डाल दिया, पकड़ लिया था टाइम मार नसीम से, ओवर ना करवाना मुझे, मैच खत्म हो गया। लेकिन ये मेरे बात ऊपर से गुजर रही है, मेरे यहां से गुजर रही है कि इमाद नसीम से ओवर क्यों नहीं कराए। हम क्या कहेंगे उसमें भी, उसने 5 रन दिए, क्या कहेंगे पिंडने के नवाज इमाद चला के 3। अगर सही तरीके से बॉलिंग करें, सही तरीके से बैटिंग करें, तो पाकिस्तान की जीत की कुंजी इन्हीं तीनों के हाथ में है, और आपने उन तीनों में से 2 ने ओवर कराए, और इमाद ने भी ठीक ही किस्मत आपने ओवर ही नहीं करवाए, और वहीं से आपने लेट डाउन किया, ना पावर प्ले में ओवर कराया ना बाद में ओवर करवाया। और खैर पाकिस्तान की इस टीम को हार मिली है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो पहली सीरीज थी 2-0 से हारी है, ठीक है माना यंग टीम फ्लॉप हुई है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से इमाद ने बैटिंग की थी, शदाब ने बैटिंग की थी, अली साहब ये मैच हारना नहीं बनता। नसीम आते वो ठीक बॉलिंग करके अपना 19वां ओवर पक्का करते हैं, 19वां ओवर पक्का करते, और 19वां ओवर में जबकि एक मासूम बच्चे को भी पता है कि इस विकेट पे सिर्फ विकेट का इस्तेमाल करो, नजीब को जान के 5वां बॉल मुंह पे दिया है साथी ने, जान के। मतलब जब तू यॉर्कर का बॉलर ही नहीं है तो तू हाफ वॉली प्रेजेंट कर रहा है जिसका इलाज सिर्फ छक्का है, उस पे नजीब चाहता भी तो सिंगल नहीं लेता, बल्ला ऐसे ही मारता सीधा हवा में। इन्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे, मैं अफगानिस्तान को क्रेडिट दूंगा हिस्टोरिक विन, बट बॉस आई हैव माय डाउट्स। मुझे इन लोगों की इंटेंट पर बड़ा अजीब सा लगा है आज, जिस तरह नसीम शाह ने बॉलिंग की है, जिस तरह शादाब खान ने अपनी आखिरी 3 गेंदे, आप में से कोई अगर सरप्राइज है तो किसी सच बोलने वाले क्रिकेटर से पर्सनल कॉल करके पूछ ले पर्सनल कि यार ऐसी हरकत हो कैसे सकती है। आजम खान से विकेट कीपिंग नहीं करवाऊंगा यार, मैं किसी सूरत भी नहीं करवाऊंगा भाई, तू जितने छक्के मारता हो किसी के गार्डन में, तू विकेट कीपर नहीं है भाई। नहीं वो उसके पास मसला ये है कि से विकेट कीपर कर ले, बॉल के बजाय अपने वजन को बांटने के चक्करों में रहता है, बॉल उसके हाथ में नहीं आता। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी टीम को औकात दिखा दी है कि तुम्हारी औकात रावलपिंडी स्टेडियम में खेलने वाली है, तुम सिर्फ रावलपिंडी स्टेडियम के शेर हो, और तुम सिर्फ रावलपिंडी और क्या वो कराची की फट्टा पिचों के ऊपर खेलने वाले हो, बस तुम्हारा कोई और काम ही नहीं है, तुमसे कहीं और खेला जाता ही नहीं है। खा के बेंसे बने हुए हैं, ना इनसे बाल पकड़ा जाता है, ना इनसे कैच पकड़ा जाता है, ना इनसे थ्रो मारा जाता है, और ये चले भाई इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। भाई हम तो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, हम पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, और ये खेलेंगे पाकिस्तान के लिए, और शर्म से डूब मरने का मुकाम है इनके लिए यार, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। पहले बैटिंग करते हैं ऐसी जो है वो
बवासीर किस्म की बैटिंग करते हैं पहले, जो है 130 स्कोर 6 विकेट के नुकसान पे, और उसके बाद जो है वो फिर इनसे जो है वो वापस सेव भी नहीं होता है ना, इनसे कैच पकड़ा जाता है। भाई कर क्या रहे थे आज, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आज ये कर क्या रहे थे। ये आजम खान खा के बस जो है वो तूंद निकाल दो अपनी, ना तुमसे फील्डिंग होती है, ना कीपिंग, ना बैटिंग होती है तुमसे, और ये जनाब जो है वो पीएसएल में सेंचुरी लगा के ये कर रहे थे। मैंने बताया क्या तीर मार लिए पीएसएल में, फटा पिचिस पे खेल के सेंचुरियां बना गई है, जो है शेर बन रहे थे, और यहाँ पर इनको जो है गिदड़ बना दिया गया। ये परफॉर्मेंस है इनकी कि ये व्हाइट वॉश हो जाएंगे, ये व्हाइट वॉश हो जाएंगे, इनकी औकात ही नहीं है जीतने की। यार कहाँ जीतेंगे ये, ना इनसे घर में जीता जा रहा है, ना इनसे बाहर जीता जा रहा है। घर में आके इंग्लैंड मार के जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया मार के जा रहा है, वो दूसरे आके मार के जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो अफगानिस्तान, यार जिसने कभी जीता ही नहीं हुआ था पाकिस्तान ने, पाकिस्तान से वो आके जो है वो दो बार इनकी बैंड बजा के चले गए। पहले जो है वो इनको पहले T20 में मार दिया, आज दूसरे T20 में मार के सीरीज जीत के चले गए। यार चलिए दोस्तों, ये वाला वीडियो खत्म हो गया, और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को दर्द तो बहुत हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान से हारना मतलब आप समझ रहे हैं अफगानिस्तान जैसी टीम से हार जाना, लेकिन ये भी मत कहिए कि अफगानिस्तान की टीम भी वैसी है, अफगानिस्तान की टीम भी कड़ी टक्कर देती है, और यकीन मानिए अफगानिस्तान की टीम के कई प्लेयर जो हैं इंडिया के IPL में खेलते हैं। समझ रहे हैं ना, PSL IPL किधर कितना एक्सपोजर, कितना किधर प्रैक्टिस, किधर कितना टैलेंट निकला ना। अच्छा टैलेंट से याद आया यार, इस पर तो मुझे लगता है कि पठान भाई ने गजब का कुछ किया होगा। पठान भाई को मैं देख नहीं पाया, तो काम करता हूं, पठान भाई ने जरूर चलो सर किया तो हुई हो गए हुए, जो अपनी मस्ती में वो करते हैं और जिस तरह से वो पाकिस्तान को बैंड बजाते हैं। चलिए देखते हैं कि पठान भाई ने क्या बैंड बजाया है, वो दिखा देता हूं, फिर आता हूं मैं आपके पास। हां चलो सर चलो, आ गया आ गया आ गया आ गया, बहुत आ गया और भिखारियों कैसा दिया पेंटा PSL टैलेंट को अफगानिस्तान वालों ने पुश कर दिया भाई। बहुत आजम खान सूर्या कुमार यादव जैसा अच्छा प्लेयर है, जबरदस्त खेलता है, थोड़ा मोटा है लेकिन टैलेंट ज्यादा है उसके अंदर। सूर्या कुमार यादव से कंपेयर कर रहे थे, और ये अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में सेंचुरी बनाएगा, पुश हो गया साला दो मैच में। बैड लक, वेरी बैड लक फॉर पाकिस्तानी टीम कि भाई ये बंदा इतना ज्यादा मोटा है, इतनी महंगाई में पाकिस्तान में आटा तो मिलता नहीं, मुझे पक्का यकीन है ये पुराने टायर खाता होगा। पुराने टायर खाता होगा, अरे भाई भाई रुक जा भाई। कांग्रेचुलेशन, आज हिंदुस्तान की जीत और चाइना की हार हुई है। चाइना की इस हार पे मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं, शुभ 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 कामनाएं, शुभ शुभ कामनाएं। PSL टैलेंट पुश, PSL टैलेंट सिर्फ चलता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर PSL टैलेंट को लेके आओगे ना तो पैकेट में बंद करके लाहौर भेज देंगे। बाबू राव ने फ्राइडे को बोला था जब पहला मैच हुआ था कि प्रोग्राम चेंज हो गया, संडे को आना, संडे को अभी आ गए ना तुम लोग, इसके बाद आना ही मत भाई। लुट गए, बर्बाद हो गए, लुट गए, अम्मा लुट गई। पाकिस्तानी हो सूजी है। पाकिस्तानी हो सूजी है भाई, रुक जा नहीं तो हार्ट अटैक हो जाए। अफगानिस्तान वालों ने हिस्ट्री क्रिएट की, तो ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की कि नानी का टपाटप कर दिया पाकिस्तान की। आई लव यू, पूरी जिंदगी तुम लोगों को मोहम्मद नबी एंड वो नजीब याद रहेगा पूरी जिंदगी। सस्ते मलिंगे को लास्ट में क्या सस्ते मलिंगे। पहले वाले मैच में इन्होंने तो 93K सरेंडर वाला टारगेट दिया था, तो हमारे प्लेयर को थोड़ी शर्म आ गई भाई कि ये इतने बेशरम लोग हैं कि 93K सरेंडर वाला टारगेट दे दिया भाई। दोनों ने कहा भाई
हम सरेंडर वाले लोग नहीं है, हम ये टारगेट नहीं बनाएंगे। उन्होंने लास्ट में जाते जाते सिक्स चाप दिया लेकिन इस बार लास्ट में जाते जाते फोर मुंह में घुसेड़ दिया, ले बेटा अफगानिस्तान ने दोनों मैचों में लास्ट में सिक्स और फोर मारा है। ये इस वजह से मारा है, वो जो एक्स्ट्रा रन है ना, वो क्या नाम है उसका, टकलू का, ये जो नया चेयरमैन आया कमीज बाजे की जगह, क्या नाम है भाई, नजम शेट्टी के लिए मिठाई है, ये दो तीन रन उसके मुंह में घुसेड़ दे और तो जाहिर सी बात है भाई, पठान भाई के लिए इससे बड़ा खुशी का कोई मौका नहीं हो सकता था यार। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को इतने जबरदस्त तरीके से हराया, आप सोचिए इतनी बुरी तरीके से, और मुझे लगता है कि सेकंड के लास्ट कुछ बॉल्स में देख रहा था, लास्ट ओवर देख रहा था, क्या बैटिंग की है नबी और एक और थे वो, क्या छक्के मारे हैं यार, क्या छक्के मारे उन्होंने, और बिल्कुल मैच को एक तरफा बना दिया था यार उन्होंने। और सही में अफगानिस्तान की टीम के लिए ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। मैच जीतना छोड़िए, सीरीज जीतना, सोचिए पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान ने सीरीज जीती, एक मैच बचा, हार जाए जीत जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीरीज जीत ली, तीन मैच की सीरीज है, दो में अफगानिस्तान जीत गया। और जो वहां पर अफगानी दर्शक थे यार, उनकी खुशी देखने लायक थी यार, गजब मतलब खुश थे यार, जाहिर सी बात है खुशी तो होगी यार। तो चलिए अब स्टेडियम के बाहर से कुछ फैंस हैं, उसमें अफगानी भी है, उसमें पाकिस्तानी भी है, तो उनका क्या रिएक्शन आया वो देखते हैं। चलो सर भाई बहुत छोटा है, भाई बहुत छोटा है। कैसा रहा मैच आज भाई? बहुत अच्छा रहा, हम लोग जीत गया, अच्छा जीत गया। हेलो आप लोग जीता, क्या समझते हैं वो नसीम शाह के छक्कों का बदला आज हो गया? भाई नसीम कुछ भी, नसीम कुछ भी बॉलर नहीं है, हमारा नबी के सामने, हमारा गुरबाज के सामने वो कुछ भी नहीं है, नसीम का लोगों ने ऐसे नसीम बनाया हुआ है, हमारा फारूक है अभी तक। आपको क्या लगता है अगर आरुष रऊफ और शाहीन शाह होते तो? वो कुछ भी नहीं है भाई, वो कुछ भी नहीं है। बात सुनो, आप लोग बोलते हैं ना, आप लोग बोलते हैं बाबर नहीं है, बाबर इधर एक रन पे आउट हो गया, आप बोलते हैं, आप बोलते रिजवान नहीं है, इधर 14 रन पे आउट हो गया, वो शाहीन को पांच पूर वो भूल गया, जजाई का वो पांच पूर जो मारा, पाकिस्तान जीता था ना, किधर जीता था, जीत गया था भाई, एक जीत होता है एक मारा मारी होता है, मारा मारी का अलग मजा है, जीत का अलग मजा है। मारा मारी एक मिनट भाई बहुत छोटा है। ओ भाई ये देखिए थी लो व्हाट अ डिफरेंस, सीमसा की जगह अहसानुल्लाह को ओवर दिया जाता या जमान खान को ओवर दिया जाता फिर आखिरी अहसान खान को? नहीं, नसीम ने प्रूफ किया हुआ पहले, ये तो दिन पर होती है, कभी आज इनका दिन है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा बात सुनो, थोड़े पैसे लेट से निकले हुए बच्चे को भेजा हुआ है, बच्चे नहीं है, इसको तुम अकेला चेक करेगा, ये बच्चा नहीं है, बात सुनो अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेला, अच्छा नहीं अच्छा। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में आप? आज के मैच के बारे में, चलो इंशाल्लाह, अभी हमने मैच देखा, हमारे यंगस्टर थे, बॉलिंग में भी यंगस्टर थे, बैटिंग में भी यंगस्टर थे, उनको मैं प्रमोट करना चाहिए, हमारे फ्यूचर स्टार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यही बच्चे कल को देखें बहुत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, टैलेंट बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह में, लेकिन हमें इनको बस प्रमोट करने की जरूरत है। ये अभी बिग विशेष, टैलेंट ना हर पाकिस्तानी के दिमाग में घुसा हुआ है, दिमाग से बाहर ही नहीं निकल पाता, टैलेंट बहुत है, हर जगह टैलेंट बहुत है, लेकिन अफगानिस्तान से मार खाते हैं, उधर दुनिया में कुछ कर नहीं पा रहे, मांगना पड़ रहा है, राइट कटरा कौन सा टैलेंट है यार जो 75 इयर्स से निकला ही नहीं अभी तक, बार-बार बताना पड़ता है कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, टैलेंट अबे दिखाओ कहाँ है टैलेंट यार, वैसा नहीं है। मुझे तो याद आ रहा है कि इंडिया से जीत गए थे पाकिस्तान वाले, तो उधर से शायद शेख रशीद ने दिया था ये इस्लाम की जीत है, तो अभी अफगानिस्तान से पिटे हो तो ये कौन सा इस्लाम की जीत है,
अफगानिस्तान वाला इस्लाम ज्यादा बेहतर है या पाकिस्तान वाला इस्लाम ज्यादा बेहतर? क्यों मजहब से जोड़ते हुए चीजों को यार? किसने मजहब से जोड़ा आपने? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच था और इंडिया को आप लोग हिंदू कहते हो और काफिर कहते हो और नफरत करते हो, तो नफरत आपकी देखी जहां पे आपका, आपने रिलीजन का नाम लिया, रिलीजन का कार्ड खेला। अब बताओ ना क्या हुआ, अब कौन सा इस्लाम हारा जीता भाई, बता दीजिए। छोड़ो यार, बाहर निकलो, गेम को गेम रहने दो यार। ठीक है यार, गेम कभी हमारा गेम अच्छा होता है, कभी आपका गेम अच्छा होता है, गेम है ना यार, क्रिकेट है, मैच है, गेम। डोंट सी दिस एंड सबकी। तो आपको क्या लगता है कहां पे पाकिस्तान से गलती हुई कि मैच जो पाकिस्तान के हाथ से निकला, कहां पे? जी एक्चुअली फाइनली जो सेकंड लास्ट ओवर था ना पाकिस्तान का, नसीम शाह का, आई थिंक वो टर्न वही एक ओवर था जहाँ पे हम लोग मैच बचा सकते थे, लेकिन जमान खान ने लास्ट ओवर में बहुत अच्छा किया। क्या लगता है आपको नसीम शाह की जगह किसको बॉलिंग देनी चाहिए थी? बड़े एक्सपीरियंस है, उन्होंने पास्ट में बड़े मैचेस जिताए हुए हैं, तो किसको किसको ये बॉलिंग देनी चाहिए? डेफिनेटली नसीम शाह ही एक हमारे पास लास्ट ऑप्शन था, जो हमारे की फास्ट बॉलर थे, इसके अलावा कोई और था नहीं। बट हम लोग जो इस चीज़ का मानना है कि जो हमारी बैटिंग लाइन है वो इस मैचेस में बहुत ख़राब रही है। ठीक है, यंगस्टर हमारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि देखें, ये नई विकेट्स हैं, ये PSL नहीं है, दिस इज़ नॉट PSL। ठीक है, ये अफगानिस्तान के साथ सीरीज हो रही थी, बहुत अच्छे मैचेस थे ये, तो इन्होंने जो लाइक हमारे स्टार जो हैं बाबर आजम, रिजवान, लाइक फखर जमान, तो क्या फखर PSL को आप लोग सीरियसली नहीं लेते हो? फखर ये कह रहे हैं कि ये PSL नहीं है। अरे भैया, हर मैच उसी सीरियसनेस के साथ खेलनी चाहिए, वो चाहे PSL हो, चाहे लोकल टीम का मैच हो या इंटरनेशनल लेवल पर मैच हो, भाई सीरियसनेस तो वही होनी चाहिए। आप मजाक हल्के में ले रहे थे क्या? ठोक दिया ना अफगानिस्तान वालों ने, हल्के में लिया था आपने, बेइज्जती किसकी हो रही है? पाकिस्तान की। सर ठीक, मेरे ख्याल में कि सीनियर प्लेयर्स के साथ साथ इनको जो है ना चलाना चाहिए था नए प्लेयरों को, ताकि ये उनके साथ मिलकर खेलते और उनसे सीखते, तो हमारे ख्याल में एकदम जो है ना ये सारी की सारी जो है ना टीम यंगस्टर नहीं भेजनी चाहिए थी, इनके साथ सीनियर प्लेयर्स आने चाहिए। तो कह रहे हैं ना अभी हमने T20 वर्ल्ड कप, तो कैसा रहा मैच आज? मैच अच्छा था, बस मेरे ख्याल से नसीम शाह का ओवर जो है वो थोड़ा भारी पड़ गया हमें। आपको क्या लगता है कि नसीम शाह ने जो पिछली दफा दो छक्के मार के मैच जिताए थे, तो आज अफगानिस्तान ने बदला ले लिया? नहीं, ऐसा इसी बिल्कुल बात भी नहीं है। मेरे ख्याल से नसीम शाह इज ए ग्रेट बॉलर, इज गॉट अ ब्राइट फ्यूचर फॉर पाकिस्तान, और किसी का दिन होता है, आज आज उनका दिन था। राइट। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हुआ। सही बात है, किसी का दिन होता है, इसको लेकर दिल से लगा लेना, अपना BP बढ़ा देना, ठीक है यार, हार गए, उनको भी सबक मिला होगा। सिंपल, जो प्लेयर्स खेले आपके उनको भी सबक मिला होगा कि देखो यार, हमें और मेहनत करने की जरूरत है, हमें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, हमें उस लेवल पर पहुंचने की जरूरत है जहां पर अफगानिस्तान की टीम अभी है। राइट। अभी तो कहना बड़ा आसान है ना, अरे सीनियर प्लेयर नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, भाई तो ये तो आपके सेलेक्टर्स, आपके टीम बनाने वाले, आपके मैनेजमेंट, ये सब सोचेंगे। विजन उनका होता है ना कि वो किस तरह की टीम उतारेंगे, किस तरह की टीम चलाएंगे, किस तरह के प्लेयर्स भेजेंगे। आपने अगर नए बच्चे को कप्तान बना दिया, उसको अनुभव ही नहीं है, वो क्या करेगा? वो फील्ड प्लेसमेंट गलत करेगा, वो बॉलर्स को गलत टाइम पे चुनेगा, कब कौन सा बॉलर लाना चाहिए उसको नहीं पता होगा। तो इसका ठीकरा जो है आप अपनी मैनेजमेंट पे फोड़िए, PCB पे फोड़िए, बेचारे खिलाड़ियों को क्या दोष है? वो तो गए, उन्होंने परफॉर्म किया, हार गए, एक्सपीरियंस नहीं था, हार गए। अफगानिस्तान की टीम के पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे, खिलाड़ियों को कुछ मत कहिए कि शायद आपने ये नहीं किया, प्लेयर प्लेयर दे कुछ बोला, मैनेजमेंट से पूछिए कि उन्होंने मैनेजमेंट, राइट सर, यू आर जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं, इनमें सीनियर प्लेयर्स कुछ क्यों नहीं रखे? आपने तो हल्के में भेजा है अफगानिस्तान, तो बच्चे भी हरा देंगे। लो जी, वो कह रहा था ना कि बच्चे नहीं है, अकेले में चेक करो बच्चे, यही है। बाकी भाई, अफगानिस्तान के टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और पाकिस्तान की टीम को भी कहता हूँ कि कोई बात नहीं यार, हार गए, नेक्स्ट टाइम आपका खराब था, कोई बात नहीं, मैच में ये होता है, तो इसको मैच की तरह रखिए, जंग की तरह मत ले जाइए, चाहे किसी भी टीम से हो, अफगानिस्तान से हो, इंडिया से हो, किसी भी टीम से हो, लेकिन आप लोग इसको जंग और इसमें मजहब भी घुसा देते हैं, इसमें पॉलिटिक्स भी घुसा देते हैं, और आप लोग उसको सहन करते हो, आप लोग उसको अपोज नहीं करते, तो गेम को गेम रहने दीजिए, खेलने दीजिए। और अफगानिस्तान की टीम बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आगे और भी इससे भी शानदार परफॉर्मेंस जारी रहेगी, और तीसरे मैच में अगर देखिए, अगर क्लीन स्वीप कर सके, तो इससे बेहतर अफगानिस्तान के लिए कुछ हो नहीं सकता है। राइट, तो बाकी मिलता हूँ एक और वीडियो में। नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद। তো গাইস, ভিডিওটা অনেক বড় ছিল, এন্ড লাস্ট পর্যন্ত কে কে আমার ভিডিও দেখেছো এবং আমার সাথে আমার এই যন্ত্রণাগুলো সহ্য করছো, প্লিজ সেই ভাই বোন যেই আসো, আঙ্কেল আন্টি সবাই প্লিজ কমেন্ট করো, তোমাদের অনেক অনেক ভালোবাসে। আর এই দেখো, আমি প্রকৃতিতে এসে যে ভিডিও করতেছি, এটা কি তোমাদের ভালো লাগতেছে, খারাপ লাগতেছে, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও, অবশ্যই
আর কি বলবো, স্যার যে কথা বললো অলোক স্যার, এটা আসলে সত্যি কথা। দেখো খেলার জায়গা খেলা, ইটস এ গেম ভাই, হার জিত হইতেই পারে, সো ডোন্ট ওয়ারি। অ্যান্ড আর যারা ক্রিকেটার রয়েছেন, প্লেয়ার রয়েছেন, তাদের কোনো দোষ নেই, তাদের পর ব্লেম দেওয়া যাবে না একদমই, কারণ তাদের ম্যানেজমেন্টের প্রবলেম ছিল হয়তো, দ্যাটস ওয়াই তারা হয়তো খারাপ খেলেছে। পুরাতন যে প্লেয়ারগুলো ছিল তাদের সাথে হয়তো কমিউনিকেশন করে, দ্যাট মিন্স তাদের নিয়ে মানে বুঝতে পারতেছে কী বলতে, সবাই মিলে একটা যদি প্র্যাকটিসের মাধ্যমে খেলাটা নিয়ে আসতো আসলে হয়তো তারা জিততে পারতো। আফগানিস্তানে কারণ ছোটো করে ভাবছে, আসলে কখনোই ছোটো বড় ভাবতে হয় না অপোজিশন পার্টিদের, সবসময় গুরুত্ব দিতে হয়, আর গুরুত্ব না দিলে এই অবস্থা হবে। তো নেক্সট টাইম তোমরা ভালো করবে পাকিস্তান, ডোন্ট ওয়ারি। আর আফগানিস্তান ক্রিকেটের টিম যারা রয়েছে তোমাদের জন্য অসংখ্য অসংখ্য কনগ্রাচুলেশন, আর নেক্সট টাইম তোমরাও ভালো করো। সো দেখা হচ্ছে নতুন কোনো রিয়াকশন পেতে, নতুন প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে যাও, আর আমার সেকেন্ড ব্লগে যাও, অল টাইম তোমাদের ওয়েলকাম। আর ওখানে যে কমেন্ট করে বলো যে এখান থেকে ওখানে গেছো, দেন আই উইল মেনশন ইউর নেম ইন আ নেক্সট রিয়াকশন ভিডিও মাস্ট। সো নমস্কার আর নমস্তে, আসসালামু আলাইকুম, নমস্তে, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো রিয়াকশন পেতে, টেক কেয়ার, বাই বাই, টেক লাভ ফ্রম বাংলাদেশ, টাটা।